हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज हम लेंगे अपना न्यू टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. जब हम रेस्पिरेशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है मेनली टू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, कौन कौन सी वो गैसेस है? नंबर वन इज द ऑक्सीजन. आपको मालूम है एटमोस्फियर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 21%. तो जब हम ये एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस को लेंगे, ठीक है ना, ऑब्वियसली वो क्या कर रही है? बाइंडिंग कैपेसिटी शो करती है किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में. ठीक है ना, तो कितना परसेंटेज ऑफ जो है ट्रांसपोर्ट होगा हीमोग्लोबिन के थ्रू, कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मा के थ्रू, इसी चीज को हम देखते हैं. तो ऑक्सीजन जो कि 21% किसमें है? एटमोस्फियर में. जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन का 97% डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म के अंदर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है? एक अनस्टेबल कंपोनेंट है और जल्दी ही ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. अब ऑक्सीजन का 3% पार्ट जो है वो कैसे ट्रांसफर होगा? वाया प्लाज्मा. तो प्लाज्मा के थ्रू भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन इतने कम अमाउंट के अंदर. क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वॉटर. ऑक्सीजन बहुत ही कम सॉल्युबल है पानी के अंदर, इसलिए सिर्फ 3% ही क्या करेगी? एक्सचेंज करेगी. ठीक है ना, याद रखे 21% एटमोस्फियर के अंदर है. तो जब कोई गैस अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगाती है एयर के अंदर, अपना खुद का प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर. ये हम पढ़ चुके हैं. तो अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं कि आपकी बॉडी में हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां मिलता है, तो वो मिलता है आपको एल्वुलाई में. और एल्वुलाई में ये हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर कितना है? 104 mmHg. ठीक है ना, इतना मिलता है. और सबसे ये हाईएस्ट की बात करी, अब हम लोएस्ट की भी बात कर देते हैं. लोएस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगा किसके अंदर? इन टिश्यू. और टिश्यू के अंदर ये लोएस्ट कितना जा सकता है? दैट इज 40 mmHg. यानी कि आपका ब्लड और जो हम एयर एक्सहेल करते हैं वो कभी भी बिना ऑक्सीजन के नहीं होगी. उसमें कुछ अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन जरूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि सबसे कम लेवल के अंदर भी 40 mmHg क्या है? पार्शियल प्रेशर है किसका? ऑक्सीजन का. ठीक है ना, जो हम एक्सहेल कर रहे हैं दैट कंटेन्स 40 mmHg. तो हम कभी भी ऐसा नहीं मान सकते कि दैट इज टोटली एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर एयर विच वी एक्सहेल. ओके, तो ये क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. जब हम दूसरी ओर बात करते हैं किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगी? नंबर वन, सबसे ज्यादा 70% इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, 7% इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा. आप परसेंटेज का कंपैरिजन करेंगी तो यहां पर 3% है, यहां पर 7% है, बिकॉज मोर सॉल्युबल इन वॉटर. क्लियर? अब 77% तो ये सिर्फ किससे चली गई है? सिर्फ प्लाज्मा से ही चले गई. भाई बाइकार्बोनेट बनेंगे तो कहां बनेंगे? प्लाज्मा के अंदर ही तो बनेंगे. नेक्स्ट जो है आपका दैट इज 23%, दैट इज ट्रांसपोर्ट वाया कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन. ठीक है ना, जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगी? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. ठीक है ना, यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, यहां पर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन रहा है, जो कि कैसा प्रोडक्ट है?
अनस्टेबल। जब हम बात करते हैं कि हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहेगा हमारी बॉडी के अंदर, तो हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाईएस्ट कितना होता है, दैट इज 45 mmHg, जो कहां पाया जाएगा, टिश्यू में। कितना है 45 mmHg, किसमें मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है किसके अंदर, टिश्यू में। जब हम लोवेस्ट की बात करते हैं तो लोवेस्ट हमें कहां मिलता है, सबसे कम, ऑब्वियसली जो एयर बाहर से आई थी आपके एल्वोलाई के अंदर, उसके अंदर क्या है, लोवेस्ट पार्शियल प्रेशर, और वो कितना होता है, दैट इज 40 mmHg। तो आप ये देखेंगे कि कोई भी एयर जो आपने ली है उनके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर वो पर्टिकुलर गैसेस प्रेजेंट है, कोई भी गैसेस एब्सेंट नहीं है। आप ये ना समझे कि आपने एयर को इनहेल करा और उसमें से ऑक्सीजन सारी आपने एब्जॉर्ब कर ली और बाद में आपने बिल्कुल CO2 रिलीज करा है, इस तरह का कोई भी फिनोमिना नहीं होता। अब यहां पर आपको देखने वाली बात यह है, हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि एक सेल जिसके पास में ग्लूकोज है, जब तक वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होगा आपको क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी। तो ऑक्सीडाइज्ड होना और ऑक्सीजनेशन होना, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने एक टर्म ली है दैट इज ऑक्सीजनेशन, और एक आपकी केमिस्ट्री की टर्म होती है दैट इज ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीडेशन, याद रखें ऑक्सीजनेशन, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में मिला और एनर्जी को रिलीज करा तो ये क्या हो रहा है बेटा, दैट इज नोन एज द ऑक्सीजनेशन। यहां पर ऑक्सीजनेशन हो रहा है, यानी कि वो चीज क्या हो रही है, ऑक्सीजन को रिसीव कर रही है। तो यहां पर जब आयरन होगा, हीमोग्लोबिन ही है लेने वाला पिगमेंट, ठीक है ना, ऑब्वियसली सबके अंदर हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है वो कौन से फॉर्म में है, फेरस, और वो किसमें रहेगा, रिमेन फेरस स्टेज। लेकिन जब हम ऑक्सीडाइज की बात करते हैं, यहां पर हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये Fe2+ है, ठीक है, यहां पर हीमोग्लोबिन क्या हो, हीमोग्लोबिन का आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, फेरस से Fe+2 से Fe+3 हो जाएगा फेरिक, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहां पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद हमेशा जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनेगा, स्टेबल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि कैसा प्रोडक्ट है बेटा, दैट इज स्टेबल। लेकिन उसी और दूसरी ओर जब हम बात करते हैं ऑक्सीजनेशन की, ऑक्सीजनेशन जो कंपोनेंट बना रहा है वो कैसा बना रहा है, अनस्टेबल। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन के साथ में कौन कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, और उसने क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है, अनस्टेबल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजनेशन मतलब फेरस का फेरस ही रहेगा, ऑक्सीडेशन मतलब फेरस का फेरिक के अंदर चेंज हो जाना। जब फेरस फेरिक में चेंज होगा तो एक स्टेबल कंपोनेंट को वो बनाएगा, ठीक है ना, और जब फेरस फेरस में ही रहेगा तो अनस्टेबल कंपोनेंट को वो बनाएगा। इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजनेशन, ठीक है ना, क्योंकि हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट चाहिए। पहले बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन के साथ में उसी हीमोग्लोबिन की, फिर बॉन्डिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में उसी हीमोग्लोबिन की। तो आप देखिए अगर इनस्टेबिलिटी नहीं होती तो ये एक दूसरे को नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो ये अपना जनरल इंट्रो था किसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का, क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।